नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज चैनल और मैं हूं आपके साथ शक्ति मिश्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेल्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। जी हां, ये एक बहुत ही रनिंग आइटम है, गांव हो या शहर हो, इसका डिमांड तो काफ़ी होता ही है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नेल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप कैसे खोल सकते हैं, नेल्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, इस मशीन का कॉस्ट कितना आता है, रॉ मटेरियल और सारा कुछ इस मशीन के बारे में और इस बिज़नेस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिज़नेस आइडियाज़ और लघु उद्योग के लिए वीडियो देखना चाहते हैं फ्यूचर में भी, भविष्य में भी, तो रेड कलर नीचे सब्सक्राइब बटन है, वहां से सब्सक्राइब करके इस चैनल को आप इसके नोटिफिकेशन पा सकते हैं, जो भी नए वीडियोस आएंगे आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। दोस्तों, रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक इस स्टैंड के अंदर जो है वायर्स लगे हुए हैं और यही वायर्स जो है इस मशीन में जाकर जो है नेल्स का जो है निर्माण करते हैं। अगर हम वायर की बात करें तो वायर जो है आप स्टॉक में मंगवा सकते हैं। वायर का कारखाना दो जगह पे है इंडिया में, पहला रायपुर और दूसरा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, दो कारखाने इस देश के अंदर जो कि वायर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहाँ से आप जो है वायर्स का जो है ऑर्डर करके और काफ़ी सारे स्टॉक में वायर मंगवा सकते हैं और इस मशीन के जरिए काफ़ी सारा जो है नेल्स बनाकर और डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका सारा खर्चा काट देते हैं और 8 घंटे रोज़ इस मशीन को चलाते हैं तो हम लोगों ने एक कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला है कि अगर आप रुपये तक इस बिज़नेस में लगाते हैं और जो है अपना एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो करीब 60 से 80 हज़ार रुपये महीने जो है आप सब खर्चा काटकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन की कमी होने के कारण लोगों में जो है बिज़नेस का आइडियाज़ नहीं आ पाते हैं और मेरे वीडियोस का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप तक नए आइडियाज़ लेकर आए जाएं, जिससे जो है आप एक उद्यमी बन सकें और अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमा सकें। दोस्तों, आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से जो है यहाँ से ये जो वायर है और वो ये मशीन के अंदर जाता है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से जो है ये मशीन जो है दिखता है और इस तरह से जो है वायर नेल्स का जो है निर्माण ये मशीन कर देता है। देखा है कि अभी हमने जो है नेल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर ली है और अब हमें एक काम करना होगा कि जो है इस मशीन के जरिए हमें जो है नेल्स की जो है पॉलिश करनी होगी ताकि ये बिल्कुल चमचमाता हुआ नया जैसा दिखे। सारा मशीन का अगर मैं कैलकुलेशन दिलाता हूँ तो सब मिला के कुल खर्चा आपको ये पूरा मशीन का सेट खरीदने के लिए 4.5 लाख से 4.75 लाख रुपए में पूरा सेट आप खरीद पाएंगे। दोस्तों, ये मशीन में जो है यूज होता है रॉ मटेरियल, वो होता है लकड़े की भूसी, जो कि आप कहीं भी लकड़े के कारखाने या आरा मशीन जहां भी होता है, जहां पे लकड़ी का चीर फाड़ किया जाता है, वहां से आप खरीद के काफी सस्ते रेट में लेकर आ सकते हैं। और यहां पे आप देखेंगे कि जो है नेल्स को इसके अंदर डाला जाता है और वो फिर उसकी भूसी जो है लकड़ी की डालकर और इसे पॉलिश किया जाता है इस मशीन के जरिए। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इस मशीन का रिव्यू देखा है, जो है नेल मशीन का रिव्यू, और अब जो है इस मशीन के जो है मैन्युफैक्चरर मिस्टर यासीन मेरे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे इसका रख रखाव, इसका प्राइस के बारे में और इनका परिचय भी जानेंगे, इसका रेट क्या है और ये जो बिज़नेस है, ये व्यवसाय आप कैसे चालू कर सकते हैं, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवा सकते हैं, इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो है अब मैं आपको बता देता हूँ। जी, मेरा नाम यासीन है। हम यहाँ पर राजकोट गुजरात में नेल मेकिंग मशीन, वायर ड्राइंग मशीन, बाइंडिंग वायर, बार बेड वायर, चैन लिंक, फेंसिंग,
ऑल टाइप्स का जो वायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है उसका मशीनरी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं राजकोट गुजरात में। हमारा सप्लाई ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर गुजरात है और आउट ऑफ इंडिया मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा मशीनरी सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया। कि आपने देखा इनका मशीन जो है इंडिया में भी काफ़ी क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है और विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है। सर अगर हम जो है इस मशीन का जो हमने स्टैंडर्ड जो कि रनिंग आइटम है जो मशीन है उसका रेट बात करें कि उसका क्या प्राइस होगा? अप्रोक्स ऑल ओवर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर केजी वायर रॉ मटेरियल को छोड़ के पर केजी 2 रुपया कॉस्टिंग लगता है। जैसे कि 35 रुपया वायर आया प्लस 2 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इलेक्ट्रिक बिल, ऑपरेटर सैलरी, ऑयल, रनिंग स्पेयर पार्ट्स, मंथली यूजर स्पेयर पार्ट्स, जो मंथली ऑल ओवर कॉस्टिंग अगर पर केजी गिने के 2 रुपया कॉस्टिंग आएगा वायर को छोड़ के। 35 रुपया में वायर आएगा प्लस 2 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगा। 37 में कंप्लीट विथ पैकिंग ऑल ओवर कॉस्ट नेल पड़ेगा। अगर रनिंग रेट 42 है तो 5 से 6 रुपया पर केजी मिनिमम प्रॉफिट रहता है, ये प्रॉफिट रहता है। 5 से 6 रुपये मिनिमम पर केजी प्रॉफिट है नेल्स बनाने के बाद, ये सारा खर्चा काट के है, यानी कि लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रख रखाव, मेंटेनेंस सब कुछ काट के 5 से 6 रुपये तक जो है पर केजी आप इसमें कमा सकते हैं। इस मशीन का जो कैपेसिटी है वो रोज़ जो है करीब करीब 600 किलो जो है रोज़ बना लेती है। अगर उस हिसाब से हमने एक कैलकुलेशन बिठाया है तो 80,000 रुपये महीना यानी कि 80,000 रुपीज़ कम से कम आप अगर 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करके ये व्यवसाय चालू करते हैं तो कम से कम 80,000 यानी कि 80,000 रुपये महीने तक आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।